हेलो दोस्तों, कैसे हो। एसएससी फेज 9, आप सभी लोगों को पता है कि आप लोगों के अभी चार रीजन के सेंट्रल रीजन, ईआर रीजन, एसआर रीजन और एनईआर रीजन। एनईआर रीजन में सिर्फ आपका मैट्रिकुलेशन लेवल का जो है, मैट्रिक लेवल का आपका एग्जाम स्टेटस और एप्लीकेशन स्टेटस दोनों ही हो चुका है, ठीक है, पब्लिश कर दिया एसएससी ने। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक एक दो इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं। एक तो हमारा सबसे बड़ा इशू है कि फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं बहुत सारे लोगों के। कहीं उन्होंने अपना स्पेक्टिकल्स लगा के फोटो अपलोड किया था, किसी का कैप का भी था या ब्लर है, चलो ठीक है, समझ में आता है, ठीक है। लेकिन एक ऐसा इशू स्पेक्टिकल्स को लेके, और यही चीज पिछले एग्जाम में कई बार होती भी रही है और लोगों को एक्सेप्ट भी किया है उनके एप्लीकेशन फॉर्म को। तो हम थोड़ा सा बता देते हैं यहाँ पर आपको। कई सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किए हैं। उससे पहले यहाँ पे इन्होंने जो नोटिस दिया था फेज 9 का, उसमें एक लाइन इन्होंने जरूर मेंशन की थी, लेकिन जैसा उन्होंने एसएससी सीजीएल के लिए अलग से नोटिफिकेशन निकाला था फोटो के लेके, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं दिया था, ठीक है। फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप, कैप का तो आप बोल्ड किया है, इसका मतलब ये तो मस्ट हो गया। स्पेक्टिकल्स एंड बोथ ईयर्स शुड बी विजिबल, दोनों आपके ईयर्स हैं वो विजिबल होने चाहिए। स्पेक्टिकल्स अब बोल्ड नहीं किया भाई, कुछ तो आपको ऐसा मतलब मेंशन करना चाहिए था, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ पे एक और लिखा है कि एप्लीकेशन विद पुअर क्वालिटी मिनिएचर ब्लर्ड फोटोग्राफ साइड फेसिंग फोटो विल बी रिजेक्टेड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पेक्टिकल्स की वजह से बहुत ज्यादा इश्यू आ रहा है। देखो जरा कितने सारे लोगों ने मुझे कॉमेंट्स किया। ये तो मेरा सिर्फ फर्स्ट वीडियो है जो मैंने शेयर किया था, उस पर ये कॉमेंट्स आए हैं एक दो वीडियो पे। यहाँ पे देखो जरा, फोटो विद स्पेक्टिकल की वजह से रिजेक्ट हो गया है सर, अब क्या करूं, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने भी यही बोला है कि सर फोटो में प्रॉब्लम है, फोटो में कुछ प्रॉब्लम है। हालांकि ये रिफंड मांग रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आप देख सकते हैं अब प्रॉब्लम क्या है। स्पेक्टिकल्स का यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, हो सकता है इनका ब्लर होगा या फिर कुछ और रीजन। इसके बाद यहाँ पे देखो, ड्यू टू फोटोग्राफ विद स्पेक्टिकल्स, ये इनका स्टेटस दिया हुआ है। हालांकि मैंने इनको रिप्लाई भी किया था, बट मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, ठीक है, सभी लोगों को एक अपडेट दे दूं कि अब आपको क्या करना है। देखो यूनिटी में बहुत पावर होती है, तो सारे लोग एक साथ मिलके आप लोगों को क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये भी देख लीजिए, इनका भी फॉर्म जो है रिजेक्ट है स्पेक्टिकल्स की वजह से, ठीक है। अब ये वही हो गया, और इसके बाद मैं आपको और बताता हूँ। यहाँ पे देखो, ये गर्ल है, इनका भी हेयर जो स्पेक्टिकल्स है उसके वजह से इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है, क्या करें सर, प्लीज रिप्लाई। तो अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप लोगों को करना क्या है। सबसे पहले तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप लोग शेयर कर देना, ठीक है, ताकि ज्यादा लोग, कुछ लोग तो जैसे ऊपर लिखा था ना कि वो बस फीस रिफंड मांग रहे, ठीक है। तो अगर आप इनिशिएटिव लोगे मिलके, बहुत ज्यादा अपन अगर एफर्ट लगाएंगे तो ऐसा कोई इशू नहीं है, हो जाएगा सॉर्ट आउट। कई बार ऐसा हुआ भी है पहले, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले तो एक काम करिए, आपने जिस रीजन में, ठीक है, जिस रीजन में आप लोगों ने एग्जाम सेंटर लिया था, याद रखना, आपने जिस रीजन में अप्लाई किया है, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, वहां कुछ नहीं करना है। आपने जिस रीजन में एग्जाम सेंटर लिया है वहीं पर आपका स्टेटस शो होगा, ठीक है, वहीं से आपके एडमिट कार्ड आएंगे और वहीं पे आपका जो फॉर्म है वो भी आपका एक्सेप्ट हुआ है, ठीक है, सेंटर वाले रीजन में। आपको अपने जिस सेंटर में आपने जिस रीजन में आपने एग्जाम सेंटर लिया है वहां पर आप लोगों को मेल करने हैं, ठीक है। मेल आईडीज, कॉन्टेक्ट नंबर सब मैं दे रहा हूँ, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा कॉल भी करिए। मेल आईडी वहां पे दो दो दे रखी है, इंक्वायरी सेल अलग है इनका, और इसके बाद एक और मेल आईडी अलग है। हो सके तो आप लोग हेल्प डेस्क पे भी कॉल करिए इनके, ठीक है। जितने ज्यादा कॉल्स ईमेल्स जाएंगे उतना ज्यादा ये कोशिश करेंगे हिलेंगे, क्योंकि इनकी आदत है बच्चों को परेशान करना, हर एग्जाम हो बिना प्रॉब्लम्स के तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक सलूशन है कि हम एक एफर्ट लगा सकते हैं सब लोग मिलके, जितने भी लोग जिनका साथ ये प्रॉब्लम है सभी लोगों तक ये बात पहुंच जाए। और यहां पर मैं आप लोगों को ईमेल आईडीज वगैरह भी प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। देखो मेरे एंड पे मैं यही कर सकता हूँ कि लोगों को इकट्ठा कर सकता हूँ, जोड़ सकता हूँ, बता सकता हूँ उनको, ठीक है। बाकी इनिशिएटिव आप सभी लोगों को ही लेना है, आपको करना है अपने लेवल पे, और
और दूसरा क्या है, जब आप इनको ईमेल करो, ठीक है, ईमेल करो तो ईमेल में सबसे पहले तो अपना ये प्रॉब्लम बताना, दूसरा क्या है, अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने फेज 9 में भरा था उसका पीडीएफ आपने लिया था वो इसमें इंक्लूड जरूर कर दीजिएगा, तो इनको डिटेल मिल जाएगा। ठीक, तो सारा कुछ आपको मेंशन करना है, सब्जेक्ट में आप बता दीजिएगा कि रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, लाइक दैट। तो अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं, रीजनल नेटवर्क जो है इनका, मतलब पूरा जो ज्यूरिडिक्शन है सब कुछ यहाँ पे डिटेल दे रखा है। अगर आप नॉर्थ रीजन की बात कर रहे हैं, नॉर्थ रीजन में आपका देखो राजस्थान, उत्तराखंड और दिल्ली आता है। अब उत्तराखंड में जिन लोगों ने सेंटर लिया था उनका तो एग्जाम होना ही नहीं है, बाद में होगा, तो अभी आप कुछ नहीं कर सकते। दोनों मेल आईडी पे आप इनको मेल करिएगा, कॉन्टेक्ट नंबर दिए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, टैक्स कर सकते हो वो भी करो, जो कर सकते हो करना है, ठीक है। सेंट्रल रीजन में आप सब देख सकते हैं, अभी सिर्फ बिहार का आया है, यूपी का नहीं आया है, तो यूपी का बाद में आएगा। ये मेल आईडी दे रखी है, कॉन्टेक्ट नंबर ये है, आप सभी पे फोन लगाओ, ठीक है। ईस्टर्न रीजन में आप देख सकते हैं, ईस्टर्न रीजन में वेस्ट बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, झारखंड, अंडमान निकोबार आइलैंड, ये है, ये आपकी मेल आईडीज दे रखी है। इसको मैं अभी अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है, ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है टेलीग्राम का। कल से 300 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ और बहुत जेन्युइन चीजें ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको तुरंत अवेलेबल करा दूंगा। वेस्टर्न रीजन में आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, गोवा हुआ और अंडमान निकोबार हुआ, ठीक है, सॉरी, आपका जो दमन द्वीप है, दादर नगर हवेली है, ये मेल आईडीज दे रखी हैं। सदर्न रीजन की अगर मैं बात करता हूँ, सदर्न रीजन में ये मेल आईडी है, इसमें इतने स्टेट्स हैं, तो आप किसी में भी से हैं आपको जरूर भेजना चाहिए। बस ये बात याद रखना है कि जहां आपने एग्जाम सेंटर लिया है वहीं आपको सेंड करना है, क्योंकि उसी रीजन से आपके एप्लीकेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट हुए। और यहाँ से नॉर्थ वेस्ट रीजन में आप देख सकते हैं, ये दो मेल आईडी यहाँ पे दे रखी है, कॉन्टेक्ट नंबर भी दे रखा, ठीक है, रीजन में आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद नॉर्थ ईस्ट रीजन में, और बच्चा हमारा एमपीआर, और हो सके तो हेडक्वार्टर को भी करो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पे भी भेजो। यहाँ का भी मैं अभी टेलीग्राम चैनल पर जल्दी मेल आईडी वगैरह सेंड कर देता हूँ, और जो भी है आप सीसी कर दीजिएगा उस रीजन में, तो भेजो ही भेजो इसको भी सीसी करना, इसका मेल आईडी मैं टेलीग्राम चैनल पर सर्च करके अभी शेयर करता हूँ, ठीक है। तो और कोई अपडेट आएगी तुरंत आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।